भैया 1000 रुपये TWS के लिए एक ऐसा बजट है जिसमें आपको बहुत सारे वैरायटी के TWS देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये चक्कर मकर वाला, गुस्सेल वाला, पबजी हेलमेट वाला, पारदर्शी, मतलब इतनी सारी वैरायटी तो आपको 10,000 के TWS में देखने को नहीं मिलेगी। और इतने सारे TWS में से अपने लिए बेस्ट सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। बात तो सही है। देखो, इस बजट को लेकर कुछ बातें मैं बिल्कुल क्लियरली आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें एक अच्छी म्यूजिक, ठीक ठाक गेमिंग भी देखने को मिल जाएगी। बट अगर आप एकदम परफेक्ट कॉलिंग सोच रहे हो ना, तो भूल जाओ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इससे अच्छा है कि आप 1000 रुपए के अंदर कोई नेकबैंड ले लो, उसमें आपको काफी अच्छी कॉलिंग मिल जाएगी, अगर आप स्पेशली कॉलिंग के लिए कोई TWS देख रहे हो तो। बट अगर आपको ठीक ठाक कॉलिंग चल जाएगी, अच्छा म्यूजिक चल जाएगा और गेमिंग भी ठीक ठाक सा चल जाएगा, तो देख सकते हो। फिलहाल ज्ञान की बातें खत्म हुई, अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हुरानी और आपका स्वागत है मेरे चैनल योर टेक जोन में। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है ट्रूकबर्स S2 लाइट। देखिए, इसके डिजाइन आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली। इस तरह के स्लाइडर डिजाइन में आता है, दिखने में काफी कूल, थोड़ा यूनिक सा लगता है। बर्ड्स वगैरह फिटिंग काफी सही है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ काफी आपको अच्छा मिल जाएगा। 48 घंटे का टोटल पेबैक टाइम आपको देता है और एक बर्ड में आपको 8 से 9 घंटे तक का प्ले टाइम मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा है। गेमिंग इसमें आप ठीक ठाक कर पाओगे 55 ms की लेटेंसी के साथ में, और कॉलिंग भी आपको इसमें ठीक ही मिलेगा। मतलब अगर आप शोरगुल में बहुत ज्यादा बातें करोगे तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी, इंडोर कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करें म्यूजिक एक्सपीरियंस की, तो देखो प्राइस के हिसाब से आप अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस कर पाओगे। वोकल्स, ट्रेवल्स वगैरह सब कुछ काफी क्लियर है प्राइस को देखते हुए, और बेस भी आपको बढ़िया पंचिंग मिल जाएगा, बहुत ज्यादा सराउंडर टाइप का नहीं है। लेकिन प्राइस कंसिडर किया जाए तो उसकी वजह से बेस और बाकी ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस आप अच्छा इंजॉय कर पाओगे। 899 रुपये इस समय इसका प्राइस है, और इस प्राइस रेंज में ये बिल्कुल जस्टिफाई है, आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। साथ ही 1 ईयर का वारंटी भी इसमें आपको मिलेगा। वैसे सारे ही TWS से 1 ईयर का वारंटी मिलेगा, जो मैं आपको बताने वाली हूँ एक ही बार बता देती हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी भाई, अलस नाम की भी कोई चीज़ होती है। दूसरे नंबर पर आता है जेब्रोनिक साउंड बम 1। अब देखो यार, अगर आप स्पेशली साउंड क्वालिटी के लिए कोई TWS देख रहे हो इस बजट में, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। वैसे साउंड के अलावा आपको इसका बिल्ड, डिज़ाइन और लुक भी काफ़ी पसंद आएगा। इस तरह के गोल मोटोल से शेप में आता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का है। यहाँ पर ऐसे लटकता हुआ लटकन जो भी बोल लीजिए आप, इसे किचन वगैरह में आप आसानी से लगा सकते हैं। मेरे को इसे डिज़ाइन नया सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और फिटिंग भी काफी सही है, पहनकर जिम वगैरह जा सकते हो, कानों से निकलेगा नहीं, आसानी से अच्छे से फिट हो जाते हैं। बाकी इसमें आपको बैटरी थोड़ा कम देखने को मिलेगा, एक बर्ड में आपको लगभग 3 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, और ऑल ओवर आपको 12 घंटे तक का बैकअप भी दे देगा, जो कि ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी बहुत कमाल की है, जो वोकल्स वगैरह हैं सब क्लियर है, ट्रैवल्स काफ़ी अच्छे से क्लियर है, मिड्स, हाई, स्लोस, प्राइस रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से मैनेज किए गए हैं, और बेस भी आपको काफ़ी बढ़िया सुनने को मिलेगा। मतलब म्यूजिक एक्सपीरियंस के मामले में इसे आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। गेमिंग के लिए अगर देख रहे हो तो इसे अवॉइड करना, ये गेमिंग के लिए नहीं है, और कॉलिंग वगैरह भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। आउटडोर कंडीशन में बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाले जगह से बात करोगे तो दिक्कत होगी, इंडोर में अच्छी कॉलिंग मिल जाएगी। अदर स्पेक्स से ब्लूटूथ 5.0, वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट, 10 मीटर का वायरलेस रेंज, और ये स्प्लैश प्रूफ आपको मिलता है। IP की कोई रेटिंग नहीं दी गई है, तो पानी में डुबाने की गलती मत करना, वरना मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई। और इस समय ये आपको 799 रुपये का मिलेगा, और इस प्राइस रेंज में ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे सारे ही बर्ड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, जाकर चेकआउट करना और ऑर्डर भी कर सकते हो वहाँ से। लास्ट एंड नंबर 1 पोजीशन पर आने वाला TWS ट्रूक BTG स्ट्रोम, ये अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, बट ये इस बजट में एक काफ़ी बढ़िया TWS है। इसमें आपको लगभग सारे ही फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, ये एक गेमिंग TWS है तो गेमिंग इसमें आपको अच्छा मिलता ही है। इसके अलावा म्यूजिक, कॉलिंग एंड बैटरी भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले इसके लुक और डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, तो लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसे गेमर वाली आपको फील आएगी देखकर। RGB लाइट वाइट लगे हुए हैं, दिखने में काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है बिल्ड की। बाकी बर्ड्स वगैरह की फिटिंग भी काफ़ी सही है, पहनकर जिम जा सकते हो, आसानी से निकलेंगे नहीं कानों से। इसमें भी आपको RGB लाइट लगा हुआ देखने को मिल जाता है। इसमें 40 ms लेटेंसी गेमिंग मोड दी गई है, और गेम आप इसमें अच्छी खेल पाओगे प्राइस के हिसाब से। अगर गेमिंग के लिए देख रहे हो TWS इसे कंसीडर कर सकते हो। 50 hours का टोटल प्लेबैक टाइम कंपनी क्लेम करती है, बट आपको इजीली ये 45-46 hours का प्ले टाइम दे देगा, और ये भी काफ़ी ज़्यादा है। बर्ड्स में आपको 8 से 10 घंटे तक का प्ले टाइम मिलता है, ये भी काफ़ी सही चीज़ है यार। कॉलिंग बजट के अकॉर्डिंग आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, इंडोर कंडीशन में काफी अच्छी मिल जाएगी, आउटडोर कंडीशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है शोर शराबे वाले एरिया में। बाकी म्यूजिक एक्सपीरियंस की बात करें तो 13 mm का टाइटेनियम ड्राइवर्स लगे हुए इसमें, और लाउडनेस बहुत ज़्यादा इसमें दी गई है, मतलब इतनी ज़्यादा लाउडनेस है कि फुल वॉल्यूम में आप सुन भी नहीं पाओगे, 70-80% वॉल्यूम सफिशियंट रहेगा।
और अगर आप वो बेबी है जिसे बेस पसंद है तो ये आपको काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि इसे बेस काफी दमदार आपको सुनने को मिल जाएगा, एकदम बूम बूम वाली बेस की फीलिंग आएगी, बेस अच्छा आपको एंजॉय करने को मिलेगा। बाकी क्लैरिटी वगैरह भी काफी सही दी गई है प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर आप ज्यादा वॉल्यूम पर सुनेंगे तो मिड्स में थोड़ा सा आपको बेस ओवर पावर करते हुए नजर आएंगे, बट 70-80% वॉल्यूम पर आप बढ़िया म्यूजिक एंजॉय कर पाओगे। मूवी वगैरह देखने के लिए भी ये काफी सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसे वोकल्स वगैरह ट्रेवल्स वगैरह सब कुछ काफी सही है। अदर स्पेक्स है ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPS5 का वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग, ENC फीचर अच्छी कॉलिंग के लिए, ये आपको इस समय 899 रुपये में देखने को मिलेगा और इस बजट में ये काफ़ी जस्टिफाई है, आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हैं, बट इसके प्राइस आगे चल के बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है, इसलिए इसका प्राइस 899 रुपये है, हो सकता है कि आगे चल के 1000 से भी ऊपर हो जाए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि 1000 रुपये से ऊपर के बजट में आप इसे ना ही लें, 1000 से ऊपर में आपको और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इसे परचेस करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक से अभी परचेस कर लो, क्या पता आगे चल के प्राइस इसका बढ़ जाए। इन सब के अलावा बूट रॉक S141 भी एक काफ़ी अच्छा TWS है, अगर ये आपको 1000 रुपये के अंदर मिल जाए तो इस समय उसका रेट अप्रॉक्स 1200 रुपीज़ के आसपास है, बट इसके प्राइस वेरी करते रहते हैं, 1000 के अंदर मिले तो आप इसे ही परचेस कर सकते हो, बढ़िया बेस एंड बढ़िया म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए मस्ट रिकमेंडेड। सो फ्रेंड्स, ये थे TWS जो कि 1000 रुपये के बजट में आपके लिए फुल पैसा वसूल है, आप इनमें से कोई से ही परचेस कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक से। बाकी उम्मीद करती हूँ वीडियो को पसंद आई होगी तो पता नहीं क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद।